मैं रात न जाने दूँ, तुम नींद न आने दो। एक तरफा प्यार करें मिलकर दीवाने दो। क्या दुनिया की बातों का ये बातें जाने दो। मैं रात न जाने दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो मेरा कोलैबोरेशन तो ऐसा हुआ कि मुझे कॉल आया आत्मिका से फ्रॉम स्नो रिकॉर्ड्स कि वी आर ऑलरेडी शूटिंग फॉर समथिंग। शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वी ऑलरेडी शूटिंग फॉर समथिंग एंड इट्स स्टक राइट नाउ, और क्या आप आ सकते हैं और इसको शूट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने कहा मुझे गाना सुना दो। गाना सुनाया तो गाना इतना अच्छा गाया सौरभ ने, तो आई वॉज लाइक कि यार ये गाना तो मैं बिल्कुल करूँगा। तो उसने कहा कि ये कल नहीं आना, ये आज ही आना है फ्लाइट पकड़ के। सो फ्लाइट बैग्स पैक करे, फ्लाइट में पहुंचा और सीधा होटल भी नहीं गया, सेट पे पहुंचा, सेट पे पहुंचा एंड बस शूट चालू। आई थिंक फॉर मी अगेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सोनू रिकॉर्ड्स, दे वर लुकिंग फॉर समवन हु कैन डांस बट एट द सेम टाइम एक्ट एज वेल, एंड अगेन दे मेड मी हियर द सॉन्ग एंड आई वॉज लाइक ऑफकोर्स दिस इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, किसको डांस और एक्ट करने का एक साथ मौका मिलता है। So I was like, of course I'm gonna do it, and it's a brilliant, brilliant, like he also said, it's a brilliant song, beautiful song. When I heard it again, it just gave me goosebumps, and yeah, it's a, that's how I was like, yeah, I have to do this. So what about? तो गाने का मैं मेरा काम था म्यूजिक पार्ट था। हाँ जी कैसे? ये माइक के पास। अच्छा जी। तो म्यूजिक पार्ट था मेरा, तो मुझे कास्ट का थोड़ा शुरू में नहीं कंफर्मेशन थी, लेकिन बिल्कुल जब शूट पे पता चला तो विक्रम भाई और साशा जी को मतलब डांस के लिए ही वो था कि चुना जाए, और वो बड़ी कमाल की डांसर भी हैं और उन्होंने कमाल कर दिया है वीडियो में। और तो बस यही है, मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कास्ट के बारे में नहीं थी, पर हाँ बहुत सुंदर हुआ, बहुत कमाल हुआ, जादू हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगेन दिस डांसिंग इज माई फोर्टे, दिस इज समथिंग दैट आई डू, बट अगेन दिस इज समथिंग दैट हैड एक्टिंग एज वेल। So I was actually very very nervous in the beginning. I was like, and कौन नहीं होगा, because this is for me, this is like a very big project and this is something that I'm doing for the very first time. So कौन nervous नहीं होगा। So I was like, oh shit, कैसे होगा, ये romantic scene है, ये scene है, dancing का आएगा तो I'll be okay, but then what will happen other way around? But luckily he's a sweetheart, he's a very humble person, we broke the ice really fast and he made me comfortable, and I think bahut hi jaldi I think we became like very comfortable with each other, and kuch bhi aisa jitna main soch rahi thi utna kuch bhi nahi hua, so it was a beautiful experience. And lastly, unhone aapke gaane ko kitna justify kiya, jo bhi agar aapne inhone justify jitna socha nahi tha usse bhi zyada kamal kiya hai, aur matlab I कमाल का खुश हूँ, मैं इतना ही कम बोल पा रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैं खुश बहुत हूँ। हाँ बस बात ये है। गाना देखा और मुझे गाना बहुत ही खूबसूरत लगा। आई लव विक्रम्स वर्क एंड ही इज डन एन अमेजिंग जॉब, एंड आई विश ऑल द टीम अ वेरी व्हाट डू आई से ऑल द बेस्ट गाइस एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द बिग हिट। ओके, इसके अलावा अगर म्यूजिक वीडियो करना हो आपको तो किस तरह का म्यूजिक वीडियो करना पसंद करेंगी, और क्या कोई ऐसा कोई प्लान है करने का? आई वुड रियली लाइक टू डू, मुझे एक रोमांटिक म्यूजिक वीडियो भी करना है, बिकॉज अभी तक बहुत हो गया बबली एंड नेगेटिव, आई थिंक आई एम डन विद दैट, अब मुझे एक रोमांटिक गाना भी करना है। सो इफ एनी बडी लिसनिंग आई वॉन्ट टू अ रोमांटिक सॉन्ग। डेफिनेटली। सो मेरा शो जो कि है भाग्य लक्ष्मी फॉर जी टीवी, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं लोग, बहुत प्यार दे रहे हैं हम सबको, पूरी टीम को, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैं भाग्य लक्ष्मी का एक हिस्सा हूँ, एंड भाग्य लक्ष्मी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा कोई शो नहीं किया था, एंड थैंक्स टू एकता मैम मुझे ये चांस देने के लिए, विच आई एम रियली थैंकफुल। और जैसे मैंने म्यूजिक वीडियो के बारे में पूछा था, क्या डिफरेंस महसूस करती है टेलीविजन में और जो म्यूजिक वीडियो है?
म्यूजिक वीडियो और टेलीविजन में आई डोंट थिंक कोई कंपैरिजन है भी, बिकॉज म्यूजिक वीडियो दो दिन शूट होता है, दो तीन दिन मैक्सिमम, एंड डेली सोप्स आई थिंक हम लोग रोज़ शूट करते हैं, तो इसमें बहुत डिफरेंस है. डेली सोप आपका एक हिस्सा बन जाता है, आपके अंदर बस जाता है. सो बट म्यूजिक वीडियो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है. आपको मेरी हंसी से पता चल गया होगा कि मेरा रिएक्शन क्या था. मतलब आई एक्चुअली स्लेप्ट, मैं सो गई थी बिग बॉस देखने से पहले, एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई वोक अप, मैंने गूगल किया हु वन बिग बॉस, बिकॉज आई वाज होपिंग फॉर एनी ऑफ दीज टू, विच इज़ करण एंड प्रतीक. एंड किसी ने आई डोंट थिंक अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में सोचा होगा कि तेजस्वी जीतेगी, बट नाउ दैट शी इज़ वन, कंग्रेचुलेशन तेजस्वी. बट आई थिंक प्रतीक वॉज मोर डिजर्विंग. गाना तो बहुत अच्छा है, बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड दिस सॉन्ग दैट वॉज द टाइम लाइक माई रिएक्शन एग्जैक्टली वॉज आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग, बिकॉज दैट इज सॉन्ग इज सो गुड, इट टचेज योर हार्ट. एंड बट लकीली अनलकीली आई डोंट नो, मे बी इट्स अ डेस्टिनी कि वो सॉन्ग तब तक शूट हो चुका था, तो बट नेवरदलेस इट्स अ वेरी 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 गुड सॉन्ग, फाइन सॉन्ग. एंड जब आप सुनते हो ना वो आपके जुबान पे चढ़ जाता है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक. आई थिंक वैलेंटाइन स्पेशल डे है ना अभी जो आने वाला 14 तक को, तो हमने वैलेंटाइन स्पेशल ही गाना निकाला है, ताकि जितने प्यार करने लोग हैं उनके लिए कुछ नया ट्रीट कि वो इसमें रील्स बनाएं, अच्छी अच्छी जो लाइंस हैं उनका मज़ा लें, है ना. और आई थिंक लोगों ने बहुत प्यार दिया है, एक दिन में 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है वो, और रील्स पे ट्रेंडिंग पे शुरू हो चुका है. सो एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. और ये गाने की बात करूँ, ये गाना भी काफ़ी कमाल का गाना है जी, कैसा लगा? बहुत ही प्यारा गाना है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो लड़कों को चांस दिया गया वो बहुत नया है, तो जब कोई किसी को नए को चांस देता है और वो काम करता है तो वो हमेशा निकल के आता है. आपके गाने की बात करूँ तो पोस्टर काफ़ी क्यूट लग रहा है, आपके फैंस काफी जी टाइम से जा रहे थे, आप दोनों साथ में आओ, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही अच्छा. आप जाएंगे नीचे कमेंट्स देखेंगे, आपको लोगों का प्यार दिखेगा कि लोगों ने कैसे उस गाने को प्यार दिया है. कोई भी डिसलाइक नहीं है अभी तक, और सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं वीडियो को, साउंड को, आवाज़ को, एक्टिंग को, केमिस्ट्री को, सबको. करण गुजरा के फैंस के बारे में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा चाह रहे थे कि टॉप टू में तो रहे, बहुत सारे डिसअपॉइंटेड. क्या आप डिसअपॉइंट आपके? नहीं, मैं डिसअपॉइंट यार वो वैसे अगर मेरे से नॉर्मल पूछोगे तो मैं डिसअपॉइंट हूँ कि करण जीता नहीं. क्यों नहीं जीता ये किसी को भी नहीं पता है ना, पर मेरे को लगता है कि एट द एंड वही जीतता है जिसको जीतना होता है ना. तो करण जीते, तेज जीते, अब तो बात एक ही है, ट्रॉफी घर पे ही आई है. तो ऐसे मेरे टाइम में था, किशोर थी मैं था, मेरी बहन थी, वो ऐसा लगता है कोई भी जीते हम दोनों में से ट्रॉफी घर जाएगी, तो ऐसे ही इनका था. तो या हम हैवी प्रिंस काफ़ी इमोशनल लग रहे थे आप बिग बॉस से करके, वो वहाँ से आपका पार्टी मिले, तो आपने कुछ कहा प्रिंस को? बहुत इमोशनल लग रहे करण. प्रतीक की बात. अच्छा प्रतीक, प्रतीक शुरू से इमोशनल इंसान है और वो बहुत ही प्यारा बच्चा है. मेरा उससे ज़्यादा बात नहीं हुई क्योंकि वो पार्टी इंजॉय कर रहा था, और मैं चाहता नहीं था कि इनका ये अभी टाइम है मैं इनको बीच में छेड़ूं, बट यस मैंने बात करी उससे और ही वॉज हैप्पी कि वो उसका सपना था शुरू से है ना, जो कि मेरे बिग बॉस करना है कम्प्लीट हो गया था. इसके बाद आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले? अभी बहुत सारे, अभी मैं अपने लेबल के लिए काम कर रहा हूँ, तो हर 15 दिन के बाद एक गाना ड्रॉप होने वाला है, क्योंकि मैं 17-18 गाने शूट कर चुका हूँ और अभी एक सीरीज़ शूट कर रहे हैं जो भी वो भी मेरे चैनल पर आएगी, तो अभी सिर्फ अपने चैनल के लिए काम कर रहा हूँ.